ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ପକୋଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 250 ଗ୍ରାମ ଆଳୁକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ନେଇଛି ଆଉ ତାର ସବୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତେଣୁ କରିକି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नुआ नुआ ओडिया रोसेरो वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिया बेल आइकन को भी दबाई दियंतु। एटु गैस कम कर के प्रेशर कुकर बस दे छी, सब आलू को दे दे छी। एबे इथरे हम दबा पानी को, आलू तो ऊपर को जेमते हम पानी डा रोथबो सेति के पानी को इथरे हम दबा। आ गैस रंजो के इथे हम मीडियम रे रखिबा आ दुटा सिटी आसीया पजंत आ कमे छाड़ नबा। आलू के इथे हम को ओवर कुक करिवार नहि 80% कुक करिवार अछि। बाकी आलू को कसी कसिक सीझेबा। तो ये आपने देखिपे आम सब तक आलू गुड़ी पूरा भलसे सीझी जाइए। आईटा टी हालाका गरम अच्छी तेणुकर आपको धरिकी आपको काटिपर मैंने ये आपको मुझे नौ। एबे आम सब आलू गुड़ दुई फाड़ लेखे कर नवा। जो आलू गुड़ सैज टे बड़ अच्छी आम चार फाड़ लेखे कर। तो ये आप देखिपे मो सब तक आलू गुड़ दुई खंड लाख कर सैड कर नवा। पकोड़ी बनवाई तर बैटर को रेडी करवा। तो प्रथम आम पकोड़ी बैटर को रेडी करवा। ये मुझे गोटे जगार 100 ग्राम बेसन को एमद स्वाद अनुसार लुण को फाड़े पिज को ये गुंड गुंड आकर काटी मुझे अल्प किसी अदा और रसुण को ग्रेट कर रखी ताकूबा। एबे एथे मुझे देदेउछि दुटा कंचा लंका को ताको मु खंड खंड आकर काटि नैथिली। सब जिनस को तो एबे एथे हम दे देले अल्प टिके पानी को दबा और बैटर को रेडी कर नबा। बैटर कंसिस्टेंसी एठी हम को बेसी पतला करिवार नै, टिके मोटा रखिवार अछि। आउ टिके पानी के दोउछि। तो ये आप देखिपे आम बैटर टेक रेडी है। आम बैटर को साइड कर नवा। आ कड़े प्रथम आम तेल को गरम करवा। तो गैस को ऑन कर दे कड़े तेल मैं गरम कर नहीं। आम दबा बेसन बैटर को आ छोट छोट गोल कर दबा। छोट साइज बनाऊ पकोड़ी गुड़िक। तो ये मुझे सब तक दे गोट बड़ सैड आर टे कलर चेंज हो जाता है। केयरफुल आर बड़ सैड को उल्टी ना आउ दु बड़ सैड को गोल्डन ब्राउन हवा पर्यटन आपको छाणवा। ये आप देखिपे सब पकोड़ी कलर गुड़ाक पूरा चेंज हो गला। तो ये तुम काढ़ी दबा गोटे प्लेट को। ये मुझे कड़ाई को नहीं जाइए दु चमच रिफाइन तेल को। प्रथम एम दबा खंडे डालचीन को, बाकी सब गुंड मसला को भी एम दबा। आ सब गुंड मसला को दबा समय गैस फ्लेम को पूरा पूरी लो करदे। दबा एम दी पेज हलदी गुंड को, सहित गोटे लंका गुंड को दबा। सहित एम दबा हाफ चमच लंका गुंड को। किसी सेकेंड आपको भाजी नवा। एम दबा पिज को। ये मुझे गोटे बड़ साइज पियाज को, पियाज को पूरा गुंड गुंड आकर काटी। पियाज कलर चेंज हो पर्यटन ये आम पियाज को भाजवा। ये मुझे आलु को जमा भी भाजबी ना, जेहतु आलु को आगे मुझे नहीं डायरेक्ट ये यूज करी। आप चाहिए आलु को भाजिकारती। पियाज कलर हालाका चेंज हो आगे ग्रेट कर रखा अदा और रसुण को। तार क्वांटिटी मुझे नहीं आपड़ो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो आप चेक करेंगे। तो प्रथम आम ये सब मसला को लो फ्लेम पूरा 3-4 मिनिट पर्यटन भल से कषी ना, जहाँफल कि अदा रसुण कंचा स्मेल जमी चली। तो ये आम मसला बहुत बढ़िया से कषि गला, बास्ना बहुत बढ़िया आसदेव टमाटो को। ये मुझे दुईटा मीडियम सैज्र टमाटो नहीं, स्वाद अनुसार लुण को दबा। आम टमाटो को सफ्ट हवा पर्यटन भाजी नवा। तो ये आप देखिपे आम टमाटो सफ्ट हो गला, तेल सैड्रु छाड़ा स्टार्ट हो गला। तो मसला टीम पूरा बहुत भले से कषि। तो यही समय इतने देद गोटे चमच जीरा गुंड को, सहित गोटे चमच धनिया गुंड को दबा। सबको भलसे मिसाई ना, किसी सेकेंड आम मसला को कषि नवा।
ଏଇଠି ଆମର ମସଲାଟି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣିକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଆଳୁକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁତକ ସିଝା ଆଳୁକୁ। ଆଳୁକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚିକମ ଭଲସେ କଷି ନବା। ଏଠି ଆମର ଆଳୁକୁ କଷିବା ପାଖାପାଖି 5-6 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ କଷାଟିର କଲର ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ଆପଣ ଟିକେ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଆଡ୍ କରିବା, ପକୁଡ଼ିଟି ଅଟୋମେଟିକ ପାଣିକୁ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଟୋଟାଲ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ। ପାଣିକୁ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିନବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟି ଏବେ ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ପକୁଡ଼ିକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇ ନବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପକୁଡ଼ିଟି ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫୁଲିକି ଡବଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ପାଣିଟି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ପକୁଡ଼ିଟି ଆମର ଫୁଲିକି ପୁରା ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲାକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନବା ଆଉ 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲାଗୁଥିବ ଗ୍ରେଭିର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଟିକେ ପାଣିଆ ଅଛି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିସାରିବା ପରେ ତାର 5-10 ମିନିଟ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ଗରମ ମସଲାକୁ ପକେଇକି ଫୁଟେଇବା, ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ରେସିପି ଏଇଟା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।